बाकी बिहारी
बताया गया इस शरीर को जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इस शरीर को बहुत कुछ मिला है, जैसे मकान मिला है, धन संपत्ति मिली है, माता पिता मिले हैं, पत्नी पति मिले हैं, बच्चे मिले हैं, इस शरीर को बहुत कुछ मिला है, लेकिन हम इस शरीर में रहने वाली आत्मा है। जब हम शरीर को छोड़ देंगे तो शरीर को जो मिला है वो यही रहेगा, जो शरीर को मिला है वो यही रहेगा। देखो तुम्हारी इंश्योरेंस नहीं, लेकिन तुम्हारी गाड़ी की इंश्योरेंस है। तुम्हारी इंश्योरेंस नहीं केवल गाड़ी की, और एक्सीडेंट हुआ तुमको भी चोट लगी, गाड़ी भी टूटी, तो गाड़ी को कौन ठीक करेगा, किसकी जिम्मेदारी बोलो? इंश्योरेंस जिस कंपनी से कराओ कंपनी ठीक करेगी, और तुमको कौन ठीक करेगा? है अपना तो इंश्योरेंस करा ही नहीं, हो गया ना घाटा। अगर अपना भी करा लिया होता तो सारा पैसा हमारे इलाज का कंपनी देती, ठीक है ना बात। अरे गाड़ी का इंश्योरेंस हो ना हो अपना जरूर होना चाहिए। तो शरीर है गाड़ी और हम आत्मा हैं इसमें रहने वाली, तो इस गाड़ी के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, और हमारे पास हम आत्मा है, हमारे पास कुछ भी नहीं। जो मिला था वो मौत के समय छूट जाएगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। ये बात कल चल रही थी, जो भजन करते हैं भगवान को की भक्ति में लगे हैं उनके तो साथी भगवान हो जाएंगे, उनका इंश्योरेंस हो गया भगवान की कंपनी में। अब देखिए लंका में जब आग लगी सारी लंका जली, विभीषण की कुटिया नहीं जली, क्यों नहीं जली है? क्योंकि कुटिया के ऊपर क्या लिखा हुआ था? राम नाम। हनुमान जी समझ गए तो अपनी कंपनी का इंश्योरेंस हो रहा है इसमें, ये तो अपनी कंपनी को घाटा पड़ेगा, ये तो राम जी की कुटिया बनानी पड़ी, अगर मैंने जला दी थी।
सारी लंका जल गई, लेकिन विभीषण की कुटिया हनुमान जी ने नहीं जलाई। क्यों नहीं जलाई? क्योंकि देखा कि राम नाम लिखा है तो अपनी ही कुटिया है, अगर जल गई तो मेरे राम जी को बुरा पड़ेगा और राम जी मुझको भेजेंगे, जाओ विष्णु की कुटिया बना के। तो राम नाम लिखा कुटिया पे, तो हनुमान जी ने उसको अपनी मान लिया, ये मेरी कुटिया है, हमारी कंपनी की है। और विष्णु के मुख में राम नाम था, तो विष्णु को भी हनुमान जी ने अपना मान लिया, तो अपना आदमी। तो जो भजन करते हैं उसको भगवान और संत अपना मानते हैं, जिनकी जीव पर प्रभु का नाम है उसको संत और भगवान अपना मानते हैं। तो कुटिया पे राम नाम लिखा तो कुटिया बच गई, और विभीषण की जिज्ञा भी प्रभु का नाम रहता तो विभीषण भी बच गए। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोन हारा, नहीं तो रावण के वंश में कोई रोने वाला भी नहीं बचा, सब मर गए। लेकिन विभीषण का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्यों? उसकी जीव पर प्रभु का नाम था। इसलिए यम दूतों से बचना चाहते हो, जन्म मरण से बचना चाहते हो, अपना इंश्योरेंस करा लो भगवान की कंपनी में। कैसे होगा? यहाँ तो दाम दे करके इंश्योरेंस होता है संसार की कंपनियों में, लेकिन भगवान के यहाँ नाम दे करके, नाम का मतलब नाम जाप करो, तो हम किसके हो गए? भगवान के। अगर हमारा नाम, भगवान का नाम हमारी जिज्ञा पर, तो हिम्मत है यमदूतों की आगे नजदीक। देखा ना, अजामिल को लेने के लिए भागवत की कथा है, अजामिल को लेने के लिए यमदूत आ गए, और अजामिल के बेटे का नाम था नारायण, तो डर के मारे यमदूतों को देखकर उसने किसको बुलाया था? अपने बेटे को, छोटे को। उसका नाम क्या था? कहा बेटा नारायण बचाओ। जो ही नारायण मुख से निकला, चाहे बाप बेटे के बहाने से निकला, उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों को भगा दिया। क्यों? अब ये हमारा हो गया है, हमारी कंपनी का हो गया है, अब इसका इंश्योरेंस हो चुका है, इसके मुख में प्रभु का नाम। यमदूतों ने कहा कि भगवान का नाम नहीं लिया इसने, तो अपने बेटे का नाम लिया, नारायण नाम इसके बेटे का था। भगवान के पार्षदों ने कहा चाहे बेटे के बहाने से लिया हो, लिया तो भगवान का नाम ही। आग को किसी भी बहाने से छुओ, आग तो जलाएगी, चाहे मन से छुओ चाहे बेमन से छुओ, कैसी भी अग्नि को छुओ, अग्नि तो अपना काम करेगी, बिजली की तार को चाहे प्यार से छू लो चाहे दुश्मनी से छू लो, करंट बराबर लगेगा। इसने किसी भी बहाने से सही, चाहे पांव लग जाए तार को करंट की, चाहे हाथ लग जाए, करंट तो करंट अपना काम करेगा, मन से करंट छुए चाहे बेमन से करंट अपना काम करेगा। इसी प्रकार से भगवान का नाम लिया इसने, चाहे अपने बेटे के नाम के बहाने से लिया, लिया तो भगवान के नाम, इसलिए हमारा हो गया, पार्षद ने बचा लिया उसको यमदूतों से। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं उनको बचा लिया जाएगा, और जो भगवान का नाम नहीं जप करते, चाहे वो जितने मर्जी अच्छे कर्म कर लें, ठीक है, अच्छे कर्मों के प्रभाव से एक बार स्वर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग के सुख भोगने के बाद फिर नरक जाएंगे, क्योंकि पाप भी तो किए ना साथ साथ। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पुण्य ही पुण्य किए हो, कभी पाप ना किया हो? तो पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग गए, स्वर्ग का पुण्य जब खत्म हो गया भोगते भोगते, अब बचे पाप, अब जाएंगे नरक। तो पुण्य करने वाला भी नरक जाएगा, लेकिन भजन करने वाला नरक नहीं जा सकता, चाहे वो अजामिल जैसा पापी भी क्यों ना हो। हाँ, इतना होगा कि उसका उद्धार तो होगा नहीं, क्योंकि पाप करता रहा, लेकिन नाम जप के प्रभाव से नरक से बच जाएगा, और नाम जप के प्रभाव से दोबारा से उसको मानव का जन्म दिया जाएगा, सुधरने का मौका दिया जाएगा। अजामिल जैसे मांसाहारी भी तर गए नाम के प्रभाव से, गणिका जैसी देह व्यापार करने वाली वैश्य भी तर गई तोते को के मुख से नाम सुन करके, सदन जैसे कसाई भी तर गए प्रभु का नाम लेकर के, घाटम जैसे डाकू भी तर गए प्रभु का नाम लेकर, गिद्ध चटायु जामवंत भालू कपि बंदरों के रूप में सेना थी राम जी की, काग भुसुंडी जो कौवा था, इन सब का उद्धार हो गया प्रभु से प्रेम करके, प्रभु का नाम लेकर के। इसलिए कहा कितने भव पार हुए ले तेरा नाम।
एक अजब थे गंदे संस्कार, पापी एक अजब थे गंदे संस्कार, आमिष भोजी सुरा पान कर करता अत्याचार, आमिष भोजी सुरा पान कर करता भवे कितने भवकार हुए तेरा नाम, कितने भवकार हुए तेरा नाम। नारी गणिका ती करती देह व्यापार, नारी गणिका ती करती देह व्यापार, राम नाम कोठे के मुख से सुनती बारंबार, राम नाम कोठे के मुख से सुनती बारंबार, मरते मरते राम नाम सुन पहुंची हरि के धाम, कितने भव कितने भव कितने भव पार हुए तेरा नाम, कितने भव पार हुए ये तेरा नाम। शालिग्राम से मास तोलता हृदय बेटा प्यार, शालिग्राम से मास तोलता हृदय बेटा प्यार, प्रगट प्रभु के दर्शन पाए जगन्नाथ तुम्हारा, कितने भव कितने भव पार हुए ये तेरा नाम, कितने भव पार हुए ये तेरा नाम। हरि नाम को जपता आठोया, संत के पास हरि नाम को जपता आठोया, दाता चोरी हरि दाता चोरी लूट छूट गई आए मिले घनश्याम, कितने भव कितने भव कितने भव पार हुए तेरा नाम, कितने भव पार हुए ये तेरा नाम। जटायु भालु कपि काग बसुंडी नार, जाति को जाति पार हो गए राम चरण अनुराम, करुण दास जो नाम है जपते उनको करूं प्रणाम, कितने भव पार हुए ले। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई,
माँ अलग से रोए, पत्नी अलग से रोए, बच्चे अलग से रोए, सब रो रहे, हाय हम इनके बिना कैसे जिएंगे, हे भगवान इनके नाम से मुझको ही उठा ले। बुढ़िया अलग से रोए, हे भगवान इसको क्यों ले गए भरी जवानी में, इसकी जगह बारी तो मेरी थी, बुढ़िया की थी, मुझको उठा ले, इसको क्यों उठा लिया, इसके बदले मुझको ले जाओ। पत्नी अलग से बोली, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, अब कौन कमाएगा, इससे अच्छा तो भगवान मेरे को ही उठा लेता, इसको ना उठाता मेरे पति को। बच्चे अलग से रोए, एकदम संत आ गया अचानक कहीं से। संत ने कहा गुड़िया से पहले था कि तू अभी भी सो कह रही है कि भगवान इस इच्छा मुझको उठा देता तो कोई बात नहीं, अभी देख तू मरती है और ये जिंदा हो जाएगा, इसका हाथ मुर्दे का अपने सर पे रख दे, हाथ मुर्दे का लेकर के अपने सर पे रख ले, इससे होगा क्या, ये जिंदा हो जाएगा तू मर जाएगी। बुढ़िया तो उठ करके घर में चलेगी, भीतर मैं नहीं रहता, मैं क्यों मरू, ये तो अपनी मौत मारा, मैं बेमौत क्यों मरू, इसकी आई थी चला गया, मैं क्यों मरू। और अभी भी रो रही थी कि हाय मुझको ले जाता भगवान, मुझको उठा लेता, इसको क्यों उठा दिया। तो पत्नी से कहा तू कह रही है कि मैं इसके बिना अनाथ होगी, भगवान इससे अच्छा मुझको उठा लेता, तो इसका हाथ तू ही अपने सर पर रख ले, मुर्दे का हाथ अपने पति, तू मर जाएगी जिंदा हो जाएगा। कहते मैं क्यों रखू, वो भी मुकर गई, मन रोना सब झूठा था। मां से भी कहा इसका हाथ अपने सर पे रख, ये जिंदा हो जाएगा तू मर जाएगी, कहा मैं क्यों रखू। बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा क्यों हम क्यों रखे, किसी ने भी उस मुर्दे का हाथ अपने सर पे नहीं रखा। संत ने कहा कि देख लिया ना, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रोता, सब अपने अपने जरूरतों के। इसलिए कहा तू कहता है मेरा मेरा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा।
तेरे संग कौन चलेगा मन बा। करुण दास की बात मान ले, दास की बात मान ले, ओ भव करने की युक्त जान ले, फिर तेरा फिर तेरा काम बनेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। काटा टूट गई तो सोच, तेरे संग कौन चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। राम भजन कर चूक न जाना, यही तेरे संग चलेगा मनवा, तेरे संग कौन चलेगा मनवा। राम भजन कर चूक न जाना, यही तेरे संग चलेगा मनवा, यही तेरे संग चलेगा मनवा। मनोराग महाराज की पांच संतानें, तीन कन्या दो पुत्रियां, ये कल आप लोगों ने श्रवण किया था। देवहूति आकृति प्रसूति तीन कन्या प्रियव्रत उत्पन्नपाल दो पुत्र। देवहूति का विवाह भगवान नारायण के कहने से महाराज मनु ने कर्दम ऋषि के साथ किया। यद्यपि ये विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने इस शर्त पर इनको मनाया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। सोचा कि बहुत बढ़िया गृहस्थ, जिस गृहस्थ में भगवान मिल जाए तो गृहस्थ बहुत बढ़िया। विवाह कर लिया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान पुत्र बन के आएंगे। पहली संतान हुई कन्या, फिर दूसरी संतान हुई फिर कन्या, तीसरी संतान हुई वो भी कन्या, इस प्रकार नौ नौ कन्याएं हो गई। सोचा कि भगवान ने भी धोखा किया मेरे संग, ये कहा था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, पुत्र बन के आए नहीं, नौ कन्याएं हो गई। अब इनके जिम्मेदारी भी सर पर, पहले कितना बढ़िया था, भजन करता चिंतन करता कितना आनंद में रहता था। मेरे मन में जरूर संसार की वासना रही होगी किसी कोने में छिपी, इसलिए भगवान ने गृहस्थ बना करके मेरी वासना की पूर्ति की। मुझ में कोई कमी रहेगी इसलिए भगवान ने, तो मैं गृहस्थ छोड़ के तपस्या करता। जब तपस्या के लिए तैयार हुए तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, देवहूति ने, कि आप तपस्या करने जाएंगे तो फिर मेरे घर में पुत्र रूप में भगवान कैसे आएंगे। गृहस्थ धर्म का पालन करो जिससे कि भगवान पुत्र बन के आए। कहा ठीक है, मैं संन्यास नहीं लूंगा, लेकिन अब की बार अगर भगवान नहीं आए तो संन्यास ले लूंगा। फिर गृहस्थ धर्म का पालन किया, दसवीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण उनके घर में प्रकट होते हैं। 24 अवतारों में एक अवतार, इसका नाम है कपिल अवतार। कपिल एक रंग का नाम है, काला लाल पीला, तीनों रंगों को बराबर मात्रा में लेकर मिला दिया जाए तो जो चौथा रंग बनेगा, इस रंग का नाम कपिल रंग है, जिसको आप लोग कोको कोला रंग कहते हैं, ब्राउन। इस रंग की गाय भी होती है, उस गाय को कपिला गाय कहते हैं, इसको कपिल रंग कहते हैं। रंग तो भगवान के देह की अंग कांति तो यही थी कपिल रंग की, इसलिए भगवान का जो ये नाम हुआ कपिल नाम भगवान का। भगवान यहां अपनी माता देवहूति को ज्ञान भक्ति का उपदेश करते हैं। उसके बाद फिर गंगा सागर चले जाते हैं काकद्वीप में, वहां संतों को ऋषि मुनियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं। हमारे यहाँ छह दर्शन हैं, छह शास्त्र हैं, जिसमें एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, जिस शास्त्र में प्रकृति पुरुष अर्थात माया आत्मा और परमात्मा का बड़ा विशुद्ध विवेचन हुआ है, व्याख्या हुई है इस शास्त्र में। तो शास्त्र सांख्य शास्त्र की जो प्रणेता है रचियता वो भगवान कपिल है। इसी सांख्य शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को सुनाया है।
आत्मा के बारे में, देह के बारे में, प्रकृति के बारे में जो भी ज्ञान दूसरे अध्याय में है गीता के, इसलिए गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग नामा द्वितीय अध्याय। तो कपिल भगवान ने जिस शास्त्र का प्रणयन किया, जो सांख्य शास्त्र के नाम से हमारे यहाँ प्रसिद्ध हुआ, छह दर्शनों में एक सांख्य दर्शन है, इसके आचार्य कपिल देव है, तो इसी शास्त्र को भगवान ने सूक्ष्म रूप से गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को सुनाया था। ऐसे योग दर्शन है हमारे यहाँ छह शास्त्रों में, छह दर्शनों में। इस योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो पतंजलि ऋषि हैं। इसमें पांच यम, पांच नियम, आसन 84, प्राणायाम 3 प्रकार के, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि तक जीव को कैसे ले जाना, चित्त की निवृत्ति जो माया में फंसता है चित्त कैसे हो, ये सब योग दर्शन में कपिल भगवान बताते हैं। तो ये दूसरा शास्त्र, दूसरा दर्शन हमारे यहाँ योग दर्शन है। एक वैशेषिक दर्शन है जो कणाद ऋषि का लिखा हुआ है, उसमें पदार्थ का ज्ञान है, भौतिक पदार्थ, भौतिक विज्ञान। ये कणाद ऋषि बहुत बड़े विज्ञानी हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, भौतिक विज्ञान के ऊपर, पदार्थ ज्ञान के ऊपर इन्होंने लेखनी चलाई। तो इसका एकमात्र कारण था कि हमको भौतिक ज्ञान हो, क्योंकि भौतिक ज्ञान होने पर हम भौतिक पदार्थों से विशेष लाभ उठा सकते हैं और इससे होने वाले नुकसानों से भी बचा जा सकता है। तो कणाद ऋषि ने इस दर्शन को रखा है, किसके प्रणेता कणाद ऋषि है। एक हमारे यहां न्याय शास्त्र है, न्याय शास्त्र के प्रणेता जो है और गौतम ऋषि है, ये भी एक दर्शन है हमारे यहां। और एक दर्शन हमारे यहां है जिसका नाम पूर्व मीमांसा है, जैमिनी ऋषि उसके आचार्य हैं। दुखों की निवृत्ति कैसे हो संसार में, कर्म कांड क्या है, कर्म के द्वारा कैसे व्यक्ति अपने चित्त की शुद्धि करता है, ये पूर्व मीमांसा दर्शन में, पूर्व मीमांसा शास्त्र में जैमिनी ऋषि ने इस दर्शन को दिया लिखा है। और हमारे यहाँ छठा दर्शन अर्थात छठा शास्त्र, छह शास्त्र हमारे सनातन धर्म में है, छठा शास्त्र है जिसका नाम है उत्तर मीमांसा। इसकी रचयिता भगवान वेद व्यास जी है। इसमें देह प्रकृति आत्मा का तो व्याख्या हुई है, लेकिन इसमें मुख्य व्याख्या है कि व्यक्ति आनंद को कैसे प्राप्त करे, संसार से मुक्त होकर, माया से मुक्त होकर, दुखों से, जन्म मरण से छूट करके कैसे व्यक्ति प्रेम आनंद को, परमात्मा के प्यार को, साकार भगवान को कैसे प्राप्त करे। इसी उत्तरी मीमांसा की व्याख्या में हमारे 18 पुराण हैं, जिन 18 पुराणों में मुख्य पुराण है जिसका नाम है महापुराण, यह है भागवत। इस भागवत में आत्मा के ज्ञान की चर्चा भी है, प्रकृति के ज्ञान की चर्चा भी है, और साथ में निराकार भगवान के ज्ञान की चर्चा भी है, और इससे भी आगे की चर्चा साकार भगवान की, 24 अवतारों की कथा। इसमें सूक्ष्म रूप से और 5 शास्त्र भी आ गए हैं। रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो उसमें भी कहा कि 6 शास्त्रों का मैंने सार रामायण में लिख दिया। ऐसी भागवत 6 दर्शनों का, 6 शास्त्रों का सार है। जिसने भागवत पढ़ ली उसको अन्य कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे पतंजलि जी ने तुम उनके यहां खाया है, जब तुम्हारे यहां शादी हुई तुमने बुला लिया, तुमने उनको खिला दिया, तो उन्होंने तुमको खिलाया, तुमने उनको खिला दिया, हिसाब था बराबर, कोई पुण्य नहीं कोई पाप नहीं। तो गृहस्थ का पालन करना ये कोई पुण्य नहीं है, लेकिन नहीं पालन करोगे पाप जरूर लगेगा। बच्चों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण नहीं किया तो पाप लगेगा, अगर पालन पोषण करोगे तो कोई पुण्य नहीं लगेगा, और नहीं करोगे तो पाप।
अपनी सारी कमाई पत्नी को दे दो, कोई पुण्य नहीं लगेगा, अगर नहीं दोगे तो पाप लगेगा। भाई तुमने शादी की है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उसका खर्चा उठाना। देखो अपनी पत्नी की लाज में तुमने 1,00,000 रुपए लगाया तो कोई पुण्य नहीं लगा, अगर तुम किसी दीन दुखी के बच्चे के इलाज में लगाओगे तो फिर पुण्य लगेगा। क्यों लगेगा पुण्य? क्योंकि उससे हमारा कोई लेन देन का संबंध तो है नहीं, करता है आई चलो गरीब पे लगा दिए। ऐसे अपने परिवार के इलाज पे पैसे लगाए तो कोई पुण्य नहीं लगा, अगर नहीं लगाओगे तो पाप जरूर लगेगा। तो गृहस्थ धर्म को निभाने से पुण्य नहीं लगता है, कोई धर्म नहीं है, इसको कर्म कहते हैं। अब धर्म किसको कहेंगे सुन लो, कर्म का फल यही मिलेगा और धर्म का फल स्वर्ग आदि है। धर्म किसको कहते हैं? परोपकार करने का, दूसरे का भला करना, ये धर्म है। लेकिन ये करने से भी उद्धार नहीं होगा, यहां और ध्यान देना, दीन दुखियों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, ये धर्म का काम तो हो गया लेकिन ये भगवान की भक्ति नहीं हुई। इसका फल कहां मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे, और अगला जन्म फिर दोबारा दुनिया में आना पड़ेगा। धर्म के फल से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलेंगे भक्ति करने से। नाम जप करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान का ध्यान करो, एकादशी व्रत करो, तो इस प्रकार से भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए, एक तो कर्म, एक धर्म और एक भक्ति। कर्म यहां सुख देता है और धर्म अगले जन्म में सुख देता है, और भक्ति भगवान के घर हमको पहुंचा देगी, भगवान का सुख देगी। बोलो सबसे ऊंचा क्या है? हैं? भक्ति सबसे ऊंची है। भक्ति करने वाला जन्म मरण के चक्कर नहीं पड़ता, धर्म करने वाला जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। हाँ इतना है कि जब भी जन्मेगा, जहां भी जन्मेगा सुख पाएगा, क्योंकि उसने परोपकार बहुत किया है, कर्म धर्म बहुत किए। दीन दुखियों के लिए तो उसने अपना धन खर्च किया, लेकिन भगवान के लिए नहीं खर्च किया था, मंदिर के लिए, कथा के लिए, पूजा पाठ में, तीर्थ यात्रा में, मतलब भगवान के नाम पर खर्च नहीं किया उसने, इसलिए भगवान के घर मिल जाएगा। दीन दुखियों के लिए खर्च किया इसलिए स्वर्ग मिल जाएगा। धन खर्च किया दीन दुखियों के लिए, अगले जन्म में अरबोंपति घर में पैदा कर देंगे भगवान। इसलिए कर्म भी करो, धर्म भी करो, लेकिन साथ में भक्ति जरूर करो। भक्ति के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो सब कुछ मिल गया। स्वर्ग सब कुछ नहीं और ये गृहस्थ भी सब कुछ नहीं, इसलिए गृहस्थ में चाहे तुमको सारे सुख मिल जाए। रावण को कितने सुख मिले गृहस्थ में? हर व्यक्ति चाहता है मेरी पत्नी पति व्रता हो, चाहता ना, तो रावण की पत्नी पति व्रता मंद हो गई। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो, तो रावण का बेटा मेघनाद आज्ञाकारी है। हर व्यक्ति चाहता मेरे पास अपार संपत्ति हो, तो रावण के यहाँ सोने की लंका थी, सोने की बिल्डिंग थी, इतना बड़ा धन वाला था, है ना। रावण के पास यश था, सारी दुनिया रावण को जानती थी। रावण के पास बल था, देवता भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। तो रावण के पास ये सब कुछ था, लेकिन रावण के पास भगवान की भक्ति नहीं थी। इसलिए तुम्हारे पास चाहे रावण की तरह सब बढ़िया बढ़िया काम हो जाए, तब भी शांति नहीं मिलेगी। रावण को रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास कर्म है और कर्म भी अधर्म से मिश्रित है। पर स्त्री का अपहरण कर लाया, सीता जी का अपहरण कर लाया। जो केवल कर्म आश्रित है वो पाप से नहीं बच सकते, जो धर्म आश्रित है वो भी पाप से नहीं बच सकते, लेकिन जो भगवत आश्रित है, भगवान के सच्चे भक्त है, वो कभी पाप नहीं कर सकते। गृहस्थ भी पाप कर सकता है, अच्छे अच्छे धार्मिक लोग भी पाप कर सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता, जिसमें फेंट कसले किसी जन्म में मुझको भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसे सच्चे भक्त कभी पाप नहीं कर सकते।
तो जो भक्त है सच्चा वही मानव कहलाता है, जो कर्म में प्रवृत्त है उसको जानवर कहते हैं। कर्म का मतलब यही के लिए सुख, जो यही का देखता आगे का परलोक का सोचता नहीं, खाता पीता ऐशो आराम करता है उसको कहेंगे जानवर, क्योंकि जानवर यही के बारे में सोचते हैं, परलोक के बारे में अगले जन्म के बारे में बेचारे कुछ नहीं सोच पाते। तो जो गृहस्थ होकर के इसी को सब कुछ मान बैठा गृहस्थी को, तो बुरा न माने उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। जैसे जानवर आगे के बारे में नहीं सोच सकता, इसी प्रकार अगर कोई इंसान हो के कहे किसने देखा मरने के बाद, तो फिर उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। ये शाम न विद्याम न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंत्री। तो कहा गया कि मनुष्य के रूप में जानवर है, जिसके पास ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, धर्म अधर्म का विचार नहीं, परलोक का विचार नहीं, भगवत प्राप्ति का जिसका विचार नहीं, केवल इसी संसार को सब कुछ मानता है, जो शरीर को मैं मानता है, संसार कोई अपना परिवार कोई अपना मानता है, कोई धर्म कर्म नहीं करता, कोई परलोक के बारे में सोचता नहीं, उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। मीरा को देखो, भगवान को सब कुछ मान लिया, मीरा के पति की मृत्यु हुई तो मीरा रोई नहीं, दुखी नहीं, नाचती रही, गाती रही, क्योंकि उसकी ना कर्म पर दृष्टि है ना उसकी धर्म पर दृष्टि है, उसकी दृष्टि है भक्ति पर भगवान। इसलिए आपने देखा मीरा कर्म भी नहीं करती और मीरा धर्म भी नहीं करती कि परोपकार करे, पुण्य करे, तीर्थ व्रत करे, ये सब मीरा नहीं करती। मीरा कोई धर्म कर्म नहीं, मीरा को आप दान पुण्य करते भी नहीं देखो। हाँ, संतों की सेवा करती और भगवान की सेवा करती। मीरा का धन खर्च हो रहा है संतों पर, भगवान पर, माने भगवान के नाते से खर्च हो रहा है। और अपने पति से भी कहा मेरे लिए गिरधर गोपाल का मंदिर बनाओ, तो मंदिर पे धन खर्च हो रहा है। लेकिन मीरा नहीं कहे कि मैं दीन दुखियों को बांटने जाऊं। हाँ, कोई द्वार पे दीन दुखी आ गया तो निराश नहीं लौटाएगी मीरा, बाकी मीरा का ये नहीं है। हाँ, कोई भूखा आ जाए तो खिला देगी, लेकिन मीरा कहती है मैं तो कीर्तन, नाम जप, चिंतन, संत सेवा, संतन लिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई। तो मीरा चली गई थी भक्ति में। तो एक होता है कर्म, एक होता है धर्म, एक होता है भक्ति। तो कर्म का फल यहां मिलता है, धर्म का फल अगले जन्म में मिलता है या स्वर्ग में मिलता है, और भक्ति का फल भगवत धाम की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से छुटकारा होता है। तो कर्म का संबंध लोक से, धर्म का संबंध परलोक से, और भक्ति का संबंध आलोक से। तो तीन चीजें हैं, लोक इसको कहते हैं, दुनिया का नाम लोक है, और परलोक स्वर्ग आदि ये परलोक, और भगवत धाम इसको कहते हैं अलोक। तो एक होता लौकिक कर्म, जो तुम घर गृहस्थी में करते हो, परिवार के लिए कमाते हो, खाते हो, मकान बनाते हो, शादी करते हो, इसको कहेंगे लौकिक कर्म। और जो तुम दीन दुखियों की सेवा करते हो, गरीबों की सेवा करते हो, इसको कहेंगे पारलौकिक कर्म। और जो तुम भक्ति करते हो और परमात्मा के नाम से धन खर्च करते हो, इसको कहेंगे अलौकिक कर्म। तो अलौकिक कर्म का संबंध भगवान से होता है, परलौकिक कर्म का संबंध अगले जन्म से या स्वर्ग आदि से होता है, और लौकिक कर्म का संबंध पत्नी बाल बच्चों से होता यही होता है। तो लौकिक कर्म परलोक को नहीं संभाल सकते और पारलौकिक कर्म हमारे अलोक को नहीं संभाल सकते। इसलिए जो भक्ति में लग गए, भजन में लग गए, वो तो शुभ कर्मों की तरफ भी ध्यान नहीं देते, बल्कि लिखा हुआ है तभी मान्यो जाएगो भजन कियो चित्त लाए, जब शुभ सो शुभ काम को नेक नाम मन लल जाए। मैंने ऐसी भक्ति में डूब गए, इसलिए कहा कि भजन कर तो ऐसा कर भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। तो कपिल भगवान ने गृहस्थों की निंदा की, आप पढ़िए तीसरा स्कंद भागवत जी का, यहां तक कहा कि जिन्होंने गृहस्थ धर्म को धर्म मान लिया, इसी को अलौकिक कर्म मान लिया, गृहस्थ को निभाने को ही धर्म कह दिया और गृहस्थ को निभाने को ही भक्ति मान लिया, ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। पढ़ो भागवत तीसरा स्कंद, कपिल भगवान कहते हैं
नरक में जाते हैं, चुरासी के चक्कर में पड़ते हैं, नाना प्रकार के दुख उठाते हैं। उन्होंने गृहस्थ को निभाने को ही सब कुछ मान लिया, इस प्रकार वो 84 लाख योनियों में जानवर बनेंगे। जानवरों में परलोक की चिंता नहीं, अलोक की चिंता नहीं, जो परलोक अलोक की चिंता नहीं करता उसको जानवर कहते हैं। शादी के बाद, पहले पति अकेला था, शादी के बाद कितने हो गए? 2 हो गए। पहले 2 हाथ थे, अब कितने हाथ हो गए? तो 4 हाथ किसके हैं बोलो? हैं 4 हाथ लक्ष्मी के, 4 हाथ नारायण के। तो पहले 2 हाथ थे और अब कितने हो गए? 2 और 2, पत्नी के भी 2 हाथ हो गए, इसलिए उसका नाम है धर्म पत्नी। अगर वो धर्म पत्नी है तब तो नारायण बन गए 4 हाथ। अच्छा, शादी के बाद 4 हाथ हो गए तो पांव कितने हो गए बोलो? पांव भी तो 4 हुए। अच्छा बताओ, 4 पांव किसके होते हैं? जानवरों के होते कि नहीं, है ना? अगर पत्नी है तब तो 4 पांव वाले जानवर दुलत्ती चलेगी, फिर तो लत्तम जुत्तम होगी। अगर धर्म पत्नी है फिर 4 हाथ हुए, और धर्म पत्नी है फिर दोनों धर्म के कार्य में लगेंगे, भक्ति भावना करेंगे। एक पत्नी ने अपने पति को जानवर कह दिया, पति बड़ा नाराज, मैं जानवर, मेरे को जानवर क्यों कहा? का क्यों, मैं तुम्हारी जान, तू मेरा वर हो गया ना जानवर। पत्नी बोली, मैं तुम्हारी जान और तू मेरा वर, तो मैं हूं जान तू है वर, तो हो गया जानवर। अगर धर्म बीच में है पति पत्नी के, तब वो धर्म पत्नी है, तब घर में स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, घर में ही स्वर्ग है। अगर धर्म बीच में नहीं है, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, पाप आचरण करते हैं, फिर क्या होगा? एक पति अपनी पत्नी से बोला कि तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, तू भी दुखी मैं भी दुखी, चढ़ कोठे मार छलांग तू भी सुखी। गृहस्थ में अगर हम धर्म कर्म कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तब तो हमारा जीवन परम पवित्र है, बुरा ना माने, नहीं तो हम में जानवरों में कोई अंतर नहीं। ये पति पत्नी तो जानवरों में भी हैं, ये बाल बच्चे तो जानवरों में भी हैं। बाल बच्चों को पाल पलोस के बड़ा कर देना, ये काम तो जानवर भी कर देते हैं। अगर इतना ही काम हम इंसान बन के भी कर रहे हैं, हम और जानवर फिर एक ही कैटेगरी के हो गए, ये समझ लो कि हमने इंसान बनकर के इंसान वाला काम ही नहीं किया, सारे काम जानवरों वाले किए। इंसान का काम क्या है? धर्म और भक्ति, ये 2 काम इंसान के। दीन दुखियों की सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, और भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना, ये इंसान के 2 काम है। इसके 2 हाथ हैं। 2 हाथ किस लिए? एक हाथ धर्म के लिए, एक हाथ भक्ति के लिए। धर्म का मतलब परोपकार, एक हाथ परोपकार के लिए, एक हाथ भगवान के लिए, भक्ति के लिए। 2 हाथ इंसान के। पेट पालने के लिए, कमाने खाने के लिए हाथ नहीं होते। अगर कमाने खाने के लिए हाथ होते तो हाथी को भी देना चाहिए था ना, गधे को, कुत्ते को, सबको 2-2 हाथ देने चाहिए थे कि नहीं? पेट तो जब सबको दिया भगवान ने, जब सब जानवरों को पेट लगाया, तो पेट को पालने के लिए कमाई भी देनी चाहिए थी ना, हाथ कमाने के लिए। हाथी की खुराक आदमी से 100 गुना ज्यादा होती है, तो हाथी को तो फिर 20-25 हाथ देने चाहिए थे। तो जब हाथी बिना हाथ के पेट भर रहा है, गधा बिना हाथ के ही पेट भर रहा है, कुत्ता बिना हाथ के पेट भर रहा है, 84 लाख योनियों में किसी के भी हाथ नहीं, बिना हाथों के सब पेट भर रहे हैं और अपने बच्चों को भी पाल पोस रहे हैं, इसका मतलब कमाने खाने के लिए हाथ नहीं है। अगर कमाने खाने के लिए होते तो 84 लाख योनि में सबको 2-2 हाथ दी होते, कमाओ खाओ, लेकिन बिना हाथों के सब कमा खा रहे हैं। तो हाथ किस लिए दिए?
एक हाथ परोपकार के लिए दिए और दूसरा हाथ भगवान की भक्ति करने के लिए दिए। परोपकार का मतलब धर्म, भक्ति का मतलब भगवान, भगवान की प्राप्ति। यहां जो कुछ भी हमको मिला है लोक में वो भी एक दिन छूट जाएगा, और परलोक में जो हमको मिला वो भी एक दिन छूट जाएगा, और आलोक, आलोक का मतलब भगवान का धाम, और भगवान का धाम में जो भी हमको मिलेगा तो सदा के लिए मिलेंगे। जब श्री कृष्ण मिलेंगे तो सदा के लिए, जब भगवान का घर मिलेगा तो सदा के लिए। देखो जिस घर में आज तुम लोग रह रहे हो ये घर तुमको सदा के लिए मिला कि छोड़ के जाएंगे इसको एक दिन जब मौत आएगी? सदा के लिए नहीं मिला। बचपना सदा के लिए मिला था, चला गया ना, फिर जवानी वो भी चली गई, बुढ़ापा ये भी चला जाएगा। तो यहां सदा के लिए कुछ नहीं मिला, तन तक सदा के लिए नहीं है, जन और धन तो क्या होगा सदा के लिए। जेब कहां लगाते हैं आप लोग? दिल के ऊपर, दिल इधर है ना बाई तरफ, दिल के ठीक ऊपर जेब। लक्ष्मी को कहां रखते हो? दिल के ऊपर। दिल के ऊपर नहीं, चाहे दिल के अंदर डाल लो, लेकिन लक्ष्मी नहीं ठहरेगी, इसका नाम चंचला है। कभी दुनिया में ऐसा सूर्य निकला जो छुपे ना, कभी ऐसा दिन हुआ जो रात ना हो, कभी ऐसी सर्दी आई जिसके पीछे गर्मी ना आए, कभी ऐसी गर्मी आई जो बरसात लेके ना आए, कभी किसी को ऐसी आंख मिली जो बुढ़ापे तक बिल्कुल ठीक रहे, चश्मे की आवश्यकता ना पड़े, कभी किसी को ऐसे दांत आए जो बुढ़ापे तक साथ जाए। सब धीरे धीरे जा रहे ना। तो ये संसार का रूल है, कुछ भी सदा के लिए नहीं मिला, लोक में भी कुछ भी सदा के लिए नहीं, और अगर हम चले गए परलोक में मतलब स्वर्ग में, वहां भी सदा के लिए नहीं। जब पुण्य खत्म हो जाएंगे भोगते भोगते वापिस दुनिया में फिर आना पड़ेगा, तो स्वर्ग भी सदा के लिए नहीं। यहां तक गीता में कहा ब्रह्म लोक में भी कोई तपस्या के प्रभाव से पहुंच गया, ब्रह्म लोक भी सदा के लिए नहीं मिल सकता। गीता पढ़ी आप, उसमें लिखा आप ब्रह्मभूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, यहां से ब्रह्म लोक तक कहीं भी जीव चला जाए पुण्यों के प्रभाव से, तब भी उसका जन्म होगा, दोबारा दुनिया में पैदा होना पड़ेगा, जन्म मन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। लेकिन यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जिसको प्राप्त करके फिर कभी बिछुड़ना नहीं पड़ता, निकलना नहीं पड़ता, वो धाम है मेरा जो सदा के लिए प्राप्त होता है। तो जितनी भी संसार में खुशियां हैं सदा के लिए नहीं है, स्वर्ग में जितनी खुशियां वो भी सदा के लिए नहीं, लेकिन मेरे प्रभु श्री कृष्ण की जो खुशी है, भगवत धाम प्राप्त करने की जो खुशी है, वो खुशी सदा के लिए मिलेगी। और दुनिया में जो खुशियां हैं उसके साथ दुखों का मिश्रण है, स्वर्ग में भी जो खुशियां वहां भी दुखों का मिश्रण है, लेकिन परमात्मा के धाम में जो खुशियां मिलेगी वहां दुखों का मिश्रण नहीं है। ये संसार गुलाब के पेड़ की तरह है, हर डाल पे फूल तो खिलेगा बाद में और कांटे लगेंगे पहले। फूल खिलेगा चार दिन के लिए और कांटे होंगे सदा के लिए। इसने कहा हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। जब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। ये प्रभु अद्भुत, प्रभु की अद्भुत जागीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। प्रभु की अद्भुत जागीर देखी एक हंसता है दस रोते हैं। यहाँ
सुख से सो पुनी पीर देखी एक हंसता है बस होते हैं यहाँ सुख से सो हंसता है कस होते हैं जब तस्वीर देखी हंसता है कस होते हैं तेरे